अस्सलाम वालेकुम मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारे प्यारे बहनों, तवज्जो फरमाइए। अल्लाह अज्जे वजल आपको दीन और दुनिया के नेक कामों में बरकत दे। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज कायम करने की तौफीक दे। आशा करते हैं आप खुश और सेहतमंद होंगे। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की रिहाई किसने की और कैसे हुई? बादशाह ने साकी को हजरत यूसुफ अलैहि सलाम से मिलने भेज दिया। साकी ने पहुंचकर हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को बादशाह का पूरा ख्वाब सुनाया और कहा कि आप इसका फल बताइए ताकि मैं बादशाह को बताऊं और उसके नतीजे में आपके बारे में उसकी अच्छी राय बने और आप जेल से रिहा हो सके। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने ख्वाब का फल बताया और फरमाया कि सात गायें मोटी और सात बालियां हरी का मतलब ऐसे सात साल है कि जिनमें अल्लाह की दी हुई खुशहाली होगी, खेती भी खूब फले फूलेगी, यहाँ तक कि पूरी जनता का पेट भरा होगा और वह खुशी खुशी जिंदगी के दिन काटेंगे। सात दुबली गायों और सात सूखी बालियों से इशारा है कि उन सालों के बारे में जो सूखे और भुखमरी के होंगे, जबकि तंगी और परेशानी फैल जाएगी और लोगों का पेट भरना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने उससे निमटने के नुस्खे भी बता दिया कि सात साल तक कड़ी मेहनत और ध्यान के साथ खेती की जाए, बालियों को दानों सहित स्टोर कर दिया जाए, सिर्फ उतना ही खर्च करे जितने की जरूरत हो, उनमें से कुछ बीज के लिए भी रख ले। तरह सूखे की मुद्दत बीत जाएगी तो आसमान से रहमत की बारिश होगी, मुसीबत के दिन कटेंगे और फिर खुशहाली पैदा हो जाएगी। यह सब सुनकर साकी बादशाह के पास वापस गया। उसने ख्वाब का पूरा फल उसे सुनाया। इस फल से बादशाह को बड़ा इत्मीनान हुआ, इसलिए कि इसके अलावा और कोई दूसरा फल बयान भी तो नहीं किया जा सकता था। उसने खुश होकर हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की रिहाई की और रिहाई के बाद उन्हें अपने दरबार में तलब कर लिया। साकी फिर जेल में आया, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम से मिला कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए आपकी रिहाई का ऑर्डर दे दिया है, इसीलिए अब आप मेरे साथ दरबार तक चले। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया, कहा कि फिर जाओ और बादशाह से पूछो कि उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काटे थे। जब साकी ने यह बात बादशाह से अर्ज की तो उसने हैरान होकर साकी से पूरी बात जाननी चाही। साकी ने बताया कि गुलाम इब्रानी है, निहायत खूबसूरत है, अजीजे मिस्र ने उसे मालिक से खरीदा। फिर उसने पूरी बात कैद होने और औरतों के हाथ काटने की, जो उसने हजरत यूसुफ अलैहि सलाम से सुनी थी, तफसील के साथ बयान कर दी। बादशाह ने जेलर को बुलाकर यूसुफ अलैहि सलाम को कैद किए जाने की वजह पूछी। उसने बताया कि अजीजे मिस्र ने उसको कैद दिया है और वह हर दिन रोजा रखता है। रात को जब खाना उसके पास पहुंचता है तो वह सिर्फ दो लुकमे खाकर बाकी मोहताजों को देता है। बादशाह ने अजीजे मिश्र को बुलाकर वजह पूछी। उसने सही बात छिपा दी और बताया, मैंने एक काफिले के मालिक से इसे खरीदा था, मैंने इसे बेटे की तरह पाला पोसा, लेकिन इसकी नजर ठीक न थी, इसीलिए मैंने इसे कैद कर दिया। फिर बादशाह ने साकी को भेजकर हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को बुलवाया। उन्होंने फिर इनकार कर दिया और कहा कि मैं उसी वक्त आऊंगा जबकि अजीजे मिस्र राजी हो और उसकी रजामंदी उस वक्त होगी कि उन औरतों से मेरा हाल पूछा जाए जो हकीकत की गवाह है। साकी ने बादशाह को फिर पूरी बात बताई। बादशाह को और भी ज्यादा ताज्जुब हुआ। उसने हाथ कटी औरतों को हाजिर कराया और यूसुफ अलैहि सलाम और जुलेखा का तफसीली हाल मालूम किया। वे बोली, खुदा की पनाह, हमने हरगिज उसमें कोई बुराई नहीं देखी, बल्कि यह तो हमारी चाले थी। फिर जुलेखा को भी बुलाया, उसने भी इकरार किया।
कि मैंने खुद उसको अपनी तरफ बुलाया था। वह अपनी बात में सच्चा है। जब यह हकीकत मुकम्मल हो गई तो हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने फरमाया कि इन बातों से मेरा मकसद यह था कि अजीज मिस्र जान ले कि मैंने उसकी अमानत में खयानत नहीं की है। जब हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की पाक दामनी और बेगुनाही साबित हो गई, तब एक आदमी दरबारियों में से बादशाह के हुक्म के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के पास गया और उन तक बादशाह का पैगाम पहुंचाया। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने कैदी भाइयों से मुलाकात करके उनसे भली बातें की और निकलते वक्त जेल में दरवाजे पर लिख दिया, यह जिंदों की कब्र है, गमों का घर है और दुश्मनों के लिए खुशी का मौका है। इसके बाद उन्होंने गुस्ल किया और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बादशाह के खास घोड़े पर सवार होकर दरबार की तरफ चले।